अब आगे का जो प्रसंग है, बाबा प्रारंभ में वे ही मधुर विनोद करते हैं, अपर हेतु सुनु शैल Oh,
श्री रामचरितमानस जी के दोहा क्रमांक 141 से लेकर 152 तक यह पाठ उन बेटी बहनों माताओं के लिए अनिवार्य है जिनके अंक में भगवान की कृपा से संतति उपस्थित हो रही है। इनको पारायण कर लेने मात्र से जो भी भगवान भेजेंगे पुत्र पुत्री वो भगवान का भक्त होगा भक्त होगी और वो स्वतः प्रेरित ही परमात्मा के शरण में अनुरक्त रहेगा। मनुष्य हर बात की तैयारी करता है परंतु संतान में भगवत भक्ति हो इसकी तैयारी आदमी नहीं करता है। देखिए ये बड़ा आश्चर्य है। बाबा ने माँ के साथ बड़ा मधुर विनोद किया अपर हेतु एक विशेष हेतु सुनिए राजपुत्री शैलपुत्री क्या विचित्र कथा है मैं इसका विस्तार कर रहा हूँ। हमारे प्रभु के पावन अवतरण की कथा है। जिन प्रभु को आपने वन में विचरण करते सती शरीर में देखा था उनकी छाया आज भी आपके सिर पर पड़ती जान पड़ती है। वो मिटती नहीं अजहुन छाया मिटती तुम्हारी तास चरित सुन ब्रह्म और व्याधि मिटाने वाला यह चरित्र आप श्रवण करिए। जासु चरित अवलोकी भवानी सती शरीर रहिहु। बावली हो गई थी आप। माँ ने भी कहा मैं भय बस आपको नहीं सुनाई। बाबा वही स्मरण करा रहे हैं। भरद्वाज जी महाराज से याज्ञवल्क्य जी बोले हे ऋषिवर जो भोले बाबा ने माँ भगवती के प्रति सुनाई अब वही मैं आपको सुना रहा हूं। सुनिए इस कथा का विस्तार हम लोगों ने श्री अयोध्या जी की कथा में किया है। बाबा पशुपतनाथ की सेवा में प्रस्तुत करते हैं थोड़ा संक्षिप्त करके। इसकी कोई सीमा नहीं है कि संसार में कब तक रहना है। इसकी भी कोई सीमा नहीं है कि संसार में कितना इकट्ठा करना है। इसकी भी सीमा नहीं है कि किस प्रकार के सुख से हमारी इंद्रियां संतुष्ट हो जाएं। कोई सीमा नहीं। फिर महाराज अब तो इसकी सीमा स्वयं तय करनी होगी कब तक कितना किस भाव में। इंद्रियों का उपाय है। इंद्रियां जगत में जब रहेंगी जगत में घूमेंगी तभी जगत से रस मिलेगा। इंद्रियां जैसे जैसे भगवत उन्मुख होती जाएंगी जगत का सुख गौण हो जाएगा और भगवत रस का सुख आनंद प्रदान करेगा। इंद्रियां भगवत उन्मुख होती रहें ऐसा प्रयास करना चाहिए। संसार का सामान जब सूचीबद्धता में उतरेंगे कि ऐसा कौन सा सामान है जो सर्वकाल हमारा है तो संसार के सामान का संग्रह घटने लगेगा और भगवत परमार्थ यात्रा का सामान बढ़ने लगेगा। जाए के अकेलवा तो झमेल कौने जाए के। जब जाना अकेला ही है तो बहुत झमेला क्यों इकट्ठा करना है ना। फिर साथ साथ बिना तो रहा नहीं जा सकता है। साथ तो रहना ही पड़ेगा। साथ रहते समय भी जैसे जल में कमल अपने को मुक्त रखता है वैसे अपने को मुक्त रखना है। कहां अतो हृदय और मन से।
संसार में चिपकाट बहुत है, संसार में फिसलन भी बहुत है। भगत को यह भाव रखना चाहिए कि हमको कैसे रहना है।